पीटीआई के लाहौर के जलसे से पहले ही प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। नेशनल हॉकी स्टेडियम में जलसे के लिए ऑस्ट्रोटर्फ हारने का दावा गलत निकला। ऑस्ट्रोटर्फ पहले 6 माह पहले से नाकस करार दिया जा चुका है। बोल न्यूज़ ये हकीकत सामने ले आया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। स्पोर्ट्स बोर्ड के बयान में कहा गया कि ऑस्ट्रोटर्फ को तब्दील करने का फैसला पहले से हो चुका है, समरी भी अरसाल हो चुकी है, इसका इमरान खान के जलसे से कोई ताल्लुक नहीं है। डायरेक्टर स्पोर्ट्स बोर्ड सईद उमैर हसन का कहना है कि कुछ माह में नई ऑस्ट्रोटर्फ इम्पोर्ट दरामद कर ली जाएगी। इस पर तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज वसीम से। एजाज, आगाह कीजिएगा, मजीद का कहना था डायरेक्टर स्पोर्ट्स। आज ही पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर उमैर हसन ने बोल न्यूज के साथ गुफ्तगू करते हुए बताया है कि ये जो ऑस्ट्रोटर्फ है ये आज से 6 माह पहले अनफिट डिक्लेयर हो चुकी है और इसका पंजाब का जो जुलाई के अंदर बजट आया है उसके अंदर भी इसके लिए इजाफी पैसे रखे गए थे और इसका PC1 तैयार होके इसकी समरी भी जा चुकी है। तो ये जो इस वक्त ये कंपेन चलाई जा रही है बास चैनल्स की तरफ से कि इमरान खान के जलसे की वजह से यहाँ पे ऑस्ट्रोटर्फ को रिमूव करके खेलों का नुकसान किया जा रहा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। गुज़श्ता 6 महीने से इस ऑस्ट्रोटर्फ के ऊपर पाकिस्तान हॉकी टीम भी प्रैक्टिस नहीं कर रही है। अभी हालिया जो बर्मिंगम में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उन गेम्स में भी पाकिस्तान हॉकी टीम ने जो अपना ट्रेनिंग कैंप लगाया था वो भी इस नेशनल स्टेडियम की बजाय बाहर एक छोटी ग्राउंड है LCCA ग्राउंड के साथ, वहां पे ग्राउंड बी में लगाया था। और इससे पहले एशिया कप में भी पाकिस्तानी टीम ने यहां पर अपना कैंप नहीं लगाया था। और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने भी तस्दीक कर दिया सरकारी तौर के ऊपर कि इस यहाँ पे जो जलसे के लिए जो कहा जा रहा है बास चैनल्स की तरफ से, 81 जमात की तरफ से, कि इमरान खान के जलसे की वजह से यहाँ ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ी जा रही है, ऐसा हरगिज भी नहीं है। पंजाब हुकूमत पहले ही यहाँ पे ऑस्ट्रोटर्फ तब्दील करने का फैसला कर चुकी है और गुज़श्ता 6 महीने से ये ऑस्ट्रोटर्फ अनफिट डिक्लेयर हो चुकी है किसी भी हॉकी मैच के लिए, किसी भी प्रैक्टिस के लिए। जी बहुत शुक्रिया एजाज वसीम, आगाह कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।